इधर मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। मणिनगर और वटवा स्टेशन के बीच जब ट्रेन गुजर रही थी तभी अचानक रेल पटरी पर भैंसों का एक झुंड पहुंच गया। भैंसों के झुंड से टक्कर के चलते ट्रेन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि ट्रेन का कोई ऐसा पार्ट क्षतिग्रस्त नहीं हुआ जिससे ट्रेन के परिचालन पर असर पड़े। हादसे के बाद पटरी से भैंसों के शव को हटाने के बाद ट्रेन को अपने गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया। पश्चिमी रेलवे सीनियर पीआरओ ने बताया कि हादसा सुबह 11:18 पर गैरतपुर बटवा स्टेशन के बीच हुआ। हालांकि रेलवे की ओर से रेल पटरी के आसपास के ग्रामीणों से यह अपील की गई है कि वो अपने मवेशियों को ट्रैक के पास न छोड़े। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर और मुंबई के बीच चलने वाली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 30 सितंबर को अपने गुजरात दौरे के समय हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर कैपिटल स्टेशन के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आज जो सुबह मुंबई से रवाना हुई थी तो 11:15 पर बटवा और मणिनगर के बीच में कुछ भैंसों के रेल लाइन पे आ जाने के कारण इंजन का आगे का पोर्शन कुछ डैमेज हुआ था और उसको ठीक करते हुए रेल प्रशासन ने उसको गांधीनगर स्टेशन के बीच के लिए रवाना किया, जहां से गांधीनगर कैपिटल से ये गाड़ी समय पर मुंबई के लिए रवाना हुई है और इस तरह से इसमें किसी तरह की जनहानि नहीं है और गाड़ी को समय पर रेल प्रशासन ने अपने गंतव्य की तरफ रवाना किया है। जितेंद्र कुमार जैन, वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी।